हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जैसान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय क्लास में। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले ही, जिसमें कि मैंने बताया कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, कौंसलिंग का डेट क्या है। तो इस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा और जो काउंसलिंग होगा उसमें क्या होगा। तो उसको लेकर मैं एक आज नया वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि आप लोग का सारा डाउट क्लियर होगा। देखिए, आपको दिखा रहा हूँ क्या मैं बनाया हूँ कि काउंसलिंग में क्या लेकर जाना है आपको, ताकि जो है आपका मेरिट लिस्ट में नाम जरूर आए और आपको क्या क्या गलती नहीं करना है, ताकि आपकी नौकरी जाने के खतरा नहीं रहे या आपकी नौकरी पक्की हो। आपको ये गलती नहीं करना है तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि आपको काउंसलिंग में क्या लेकर जाना है, काउंसलिंग में आपसे क्या क्या पूछेगा, आपका डॉक्यूमेंट क्या ले जाना है और आपको क्या क्या गलती नहीं करना है। तो मैंने उस पर ये वीडियो बनाया है, हमारे वीडियो को देखिए लास्ट तक। दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, सबसे पहले जो है ये जो आपका लिंक है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है कि लिस्ट ऑफ ड्यूली एंड नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जिसका कि आपको एक्सेप्ट किया गया है ये है लिस्ट ऑफ ड्यूली रजिस्टर्ड है, और जिसको कि रिजेक्ट किया गया है ये है लिस्ट ऑफ नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड है। जो भी लिस्ट है ये लिस्ट ऑफ ड्यूली रजिस्टर्ड, सिर्फ उसी कैंडिडेट को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा, बाकी ये जो नीचे वाला देख रहे हैं आप नॉन ड्यूली, ये सबको रिजेक्ट कर दिया है। और इसका जो डेट दिया गया था आपका दावा आपत्ति का, जिसने भी किया है उसको मेल पे पहुंच गया होगा, वो भी जा सकते हैं, जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा आप उसके अनुसार कीजिएगा। चलिए, हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, टोटल जो दोस्तों पोस्ट था दोनों सीट मिलाकर अकाउंटेंट का और टेक्निकल असिस्टेंट का, वो था 4192, और जो फॉर्म अप्लाई हुआ है टोटल वो हुआ है 1,05,725, जिसमें कि अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के लिए जो 296 सीट था उसमें अप्लाई किए हैं 79,640, यानी 79,640 लोगों ने इसे अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए। और टेक्निकल असिस्टेंट में जो था 296 पोस्ट था, और उसके लिए आपको जो है 26,085 लोगों ने अप्लाई किया है। ये मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। देखिए, और जो अकाउंटेंट कम असिस्टेंट हैं, जो आईटी असिस्टेंट, उसके लिए जो सीट था 296, उसमें से इंटू टू, यानी जितना भी अभ्यर्थी भरा है इंटू टू को वो सिलेक्ट करेगा, यानी 4192 आपको अकाउंटेंट को सिलेक्ट करेगा और टेक्निकल असिस्टेंट में भी सेम इंटू टू करेगा। टोटल जो पोस्ट था 4192 इंटू टू करने के बाद 8,384 लोगों को वो चयन करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, और उसके अनुसार फिर वो मेगा सूची बनाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मेन चीज़ जो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि काउंसलिंग में क्या होगा, कब से होगा, कैसे होगा। चलिए, हम इस पर बात करते हैं। तो देखिए देखिए, दिखा रहा है कि जो काउंसलिंग का जो डेट है, जिसमें मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच रखा गया है। क्यों? कि 19 या 20 तारीख तक तो दुर्गा पूजा है, और उसके बाद ये शेड्यूल रखा गया है ताकि छात्रों को परेशानी नहीं हो। और उसके में आपको काउंसलिंग में जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा उसे आप फॉलो कीजिएगा। मैं आपको यह बता दे रहा हूँ एक अनुमान कि आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा काउंसलिंग में, आपको वहाँ पर क्या क्या लेके जाना है, ताकि आप तैयारी पहले से करके रखिए, ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले जो है, जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना है, उसमें से क्या ले जाना है, जो मैट्रिक की मार्कशीट जो है वो लेके जाना है, और एक जो फाइनल सर्टिफिकेट जो होता है, जिसमें कि डिक्लेयर होता है कि आपने इतना डिवीजन से सर्टिफिकेट पास किया है, इसको क्यों बोलते हैं फाइनल सर्टिफिकेट, वो दोनों लेके जाना है। और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, उसमें भी आपको मार्कशीट लेके जाना है और जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। और उसके बाद अगर आप अकाउंटेंट के लिए भरे हैं तो बीकॉम को लेके जाना है, और अगर आप एमकॉम हैं या सीए हैं उसमें आप भरे हैं तो आपको उसका भी मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। और जैसा कि आप फॉर्म भरे थे तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन आया था टिक करने का, एम कॉम, सी ए, नॉलेज ऑफ टेली या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारा अगर आपने टिक किया है तो उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसमें ले जाना जरूरी है। ये दिखा रहा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है उसको ज़रूर लेके जाएं, और अगर आपने टेली किया है उसका सर्टिफिकेट है उसको भी जोर लेकर जाए। ये कंपलसरी नहीं है,
लेकिन अगर आपके पास है तो जरूर लेके जाएं, क्योंकि आपको काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी और आपको मेरिट लिस्ट में आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट भेजना होगा, तो आप जितना सर्टिफिकेट दिखाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा ये, ठीक है दोस्तों। और जो अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये लेके जाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है और आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये जरूर लेके जाएँ। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और एक पहचान पत्र यानी जो आपका आईडी कार्ड है, उसके रूप में आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, या बहुत सारे हैं ETC, जो भी है आपको इतना चीज़ लेके जाना है काउंसिलिंग में। बाकी काउंसिलिंग का जो डेट आएगा उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है, मैं उस पर वीडियो फिर बना के लाऊंगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो दोस्तों मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार बनेगा। अगर आपने अकाउंटेंट के लिए फॉर्म भरा है तो BCom कंपलसरी है, उसका जो मार्क्स जो एवरेज होगा उस पर बनेगा। और अगर आपने MCom या CA किया है तो उसमें +20 मार्क्स ऐड होगा, जो कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आपने टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरा है तो डिप्लोमा जो है उसका जो मार्क्स होगा उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको मेन चीज़, अगर मेरिट लिस्ट बनाने में दो व्यक्तियों का मार्क्स अगर सेम होगा तो उस स्थिति में जो कमेटी है वो क्या करेगा, जिसका भी एज ज़्यादा होगा उसको पहले वो श्रेणी उसको वो प्रीफेर करेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो काउंसलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ पता चल गया होगा, आपको क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, तो दोस्तों इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ कि इसका जो मेरिट लिस्ट का आपको पूरा यहाँ दिखा दिखा रहा है, यहाँ पर जो मैंने बताया आपको सेम जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार ही मैंने आपको बताया है। और अगर आप लेखापाल के लिए भरे हैं तो यहाँ देखिए दिखा रहा है, चयनित कर्मियों को 3 माह में कंप्यूटर दक्षता प्राप्त करनी जरूरी होगी, ठीक है दोस्तों, ये जरूरी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो हमारे इस वीडियो में, हमारे इस जो मैंने इस बताया वीडियो में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, या आपको कोई भी दिक्कत हो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, और आप चाहते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।